नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अपर्णा मौजम। वक्त हो गया है मध्य प्रदेश की महाडिबेट का, जिसमें आज बात महिला सम्मान और उस पर बचे घमासान की। दरअसल महिला अपराधों को लेकर एमपी कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को एक खत लिखा है, जिस पर अब शुरू हो गया है मध्य प्रदेश की सियासत में वार पलटवार। मध्य प्रदेश में महिला अपराधों पर प्रदेश सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस ने एक रणनीति तैयार की है। जीतू पटवारी ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव को एक खत लिखा है, जिसमें महिला सुरक्षा को लेकर एक एक्शन प्लान बनाकर प्रदेश की महिलाओं को बताया कि 4 से 5 साल तक वो कैसे सुरक्षित रहेंगी। जीतू पटवारी के इस खत पर मच गया है घमासान। बीजेपी ने भी किया है जोरदार प्रहार। पहले विवादित बयान, फिर महिला सम्मान। देखो ऐसा है, अब इमरती जी का रस खत्म हो गया, जो अंदर चाशनी होती है अब उनके लिए मैं कुछ बात नहीं। जो निम्न स्थिति तक गिर चुकी है कांग्रेस, इसका जवाब प्रदेश की महिलाएं आने वाले दिनों में देंगी। महिला अपराधों का जिक्र, सियासी दलों को कितनी फिक्र। जीतू पटवारी का लेटर वार, बीजेपी का बड़ा प्रहार। बेटी बचाओ की बात हमेशा सरकार ने की है, लेकिन बेटी बचाने वाली बात तो दूर, हम बेटी की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, इसका संज्ञान ले आदरणीय मुख्यमंत्री जी। कांग्रेस को महिलाओं के सम्मान के बारे में बात करने का कोई हक नहीं। वो जीतू पटवारी धरती देवी में रस और चौसने की बात करते हैं, कमलनाथ जी महिलाओं को आइटम कहते हैं, दिग्विजय सिंह जी महिलाओं को टंच माल कहते हैं। महिला सम्मान, सियासी घमासान। जीतू पटवारी ने महिला अपराधों को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिखा है, जिसमें 30 दिन में एक्शन प्लान बनाने की बात कही है, जिस पर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। बात महिला सम्मान से सियासी घमासान पर आ गई है, आज इसी पर महाडिबेट में चर्चा करेंगे। महिला सम्मान पर अब बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं। बीजेपी ने कांग्रेसियों को महिला का अपमान करने वाला बताया है और खुद को महिलाओं का सम्मान करने वाला। फिलहाल महिलाओं को लेकर सियासी माहौल गरमाया हुआ है। वक्त है मध्य प्रदेश की महाडिबेट के सवालों पर नजर डालने का। मध्य प्रदेश की महाडिबेट में पहला सवाल रहेगा कि पहले अपमान फिर सम्मान की बात, महिला अपराध सिर्फ सियासी मुद्दा है क्या? महिला अपराधों पर क्यों हो रही है सियासत? क्यों बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस तो महिला सम्मान की बात ना ही करे तो अच्छा है? ये सवाल जिनके इर्द गिर्द आज मध्य प्रदेश की महाडिबेट रहेगी। और कौन कौन से खास मेहमान जुड़ चुके हैं उनका परिचय हम आपसे करवा देते हैं। मेरे साथ जुड़ गई है बीजेपी प्रवक्ता है वंदना त्रिपाठी, मिथुन अहिरवार है कांग्रेस के प्रवक्ता है, वरिष्ठ पत्रकार है जगदीश द्विवेदी जी, और साथ ही बतौर राजनीतिक विश्लेषक राजेंद्र अदरव्यू जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का ही बहुत बहुत स्वागत है। मिथुन जी, आपने सुना होगा नरेंद्र सलूजा को कह रहे हैं कि कांग्रेस तो महिलाओं के सम्मान की बात करने के हकदार ही नहीं है। जब ये बीजेपी में थे तो कहते थे बीजेपी महिला सम्मान की हकदार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये गिनाते थे कैलाश विजयवर्गीय को, ये बताते हैं कि महिलाओं की मर्यादा क्या है, उस मर्यादा से बाहर नहीं जाना चाहिए। कैलाश विजयवर्गीय का बयान है कि भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि महिलाओं को ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जो कि श्रद्धा निकले जिनसे। अब बता दें कौन सी लिस्ट है कपड़ों की। भारतीय जनता पार्टी की ओर से कैलाश विजयवर्गीय जी का ही बयान है, उनका मानना है कि जो महिलाएं हैं वो ठीक से कपड़े ना पहने तो शूर्पनखा लगती हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव जी, माँ और बहन का उपयोग करके अपशब्द कहते हुए नजर आते हैं, गाली देते हुए नजर आते हैं। जब इनसे एक इंटरव्यू में पूछा जाता है आपने क्यों कहा था, तो कहते हैं साहब जब लड़ाई हो रही हो तो हम मंत्र उच्चारण थोड़ी करेंगे। ये ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया। रामेश्वर शर्मा कहते हैं कि साहब जो राजपूत समाज है वो सत्ता के लिए अपनी बेटी को दे देता है, ये शायद इनका महिला सम्मान होगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री कहते हैं कि 50 करोड़ की जो है वो गर्लफ्रेंड होती है, ये शायद भारतीय जनता पार्टी की नजरों में महिला सम्मान होगा। तो ऐसे कई बयान, लेकिन इन सब बयानों के बीच ये अखबार का नाम छुपा करके एक मैं आपको ये न्यूज कटिंग दिखाना चाहता हूं। मध्य प्रदेश में 24,000 से ज्यादा मामले पेंडिंग इसलिए हैं क्योंकि मध्य प्रदेश में महिला आयोग की अध्यक्ष
और सदस्य अभी तक नियुक्त नहीं हुए। मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो गृह मंत्री भी हैं, लेकिन वो कभी मुंबई घूम रहे होते हैं, कभी वो दिल्ली घूम रहे होते हैं। मध्य प्रदेश की गृह व्यवस्था से उनको कोई लेना देना नहीं, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री के रूप में उनको कोई काम नहीं करता। लगातार अपराध बढ़ते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश की जो पुलिस है तो इनके TI जो है कांच फोड़ते फिर रहे हैं गाड़ियों के। मध्य प्रदेश की महिलाएं कहां जाए? यदि वो थाने जाती उनको न्याय नहीं मिलता तो महिला आयोग जाती। यदि आपने महिला आयोग को वेकेंट करके रखा है, रोजाना 9 से 10 ऐसी महिलाएं हैं जो पीड़ा के कारण महिला आयोग जाती है, लेकिन वहां ना उन्हें कोई सदस्य मिलता है, ना कोई अध्यक्ष मिलता है, ना कोई कार्रवाई होती है, तो महिलाएं आखिर जाए कहां? भारतीय जनता पार्टी को उस बात का बयान देना चाहिए कि क्यों मध्य प्रदेश में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं और मुख्यमंत्री मौन है। क्यों होता है महिला आयोग? नमस्कार अपर्णा जी, बाकी सभी सम्मानित पैनलिस्टों को भी नमस्कार। देखिए, पहली बात तो ये कि जो ये मिथुन जी इतने बड़े बड़े राग अलाप रहे थे, ये अपनी पार्टी के नेताओं के विषय में क्यों नहीं बताते? ये क्यों नहीं बताते कि रणदीप सुरजेवाला जी हेमा मालिनी जी के अंतर वस्त्रों तक जाते हैं? किस प्रकार से दिग्विजय सिंह जी खुले मंचों से अपनी पार्टी की नेत्री को टंचमाल और आइटम कहकर संबोधित करते हैं और बाद में ये कहते हैं कि वो मेरी पुत्री समान है? तो ये भारत की संस्कृति तो है नहीं कि पुत्री को टंचमाल और आइटम कहा जाए। तो ये इटालियन संस्कृति भारत में नहीं चलेगी आदरणीय मिथुन जी। तीसरी चीज, आपके जो सम्मानित पद पर बैठे हुए आपके प्रदेश अध्यक्ष, जिनकी जिम्मेदारी बनती है कांग्रेस पार्टी के प्रति, वो अभी एक पूर्व में मंत्री रही, महिला के बारे में क्या बोलते हैं कि उनमें रस खत्म हो गया है, चाशनी खत्म हो गई? इस प्रकार की बातें आप अपने घर की महिलाओं के बारे में करते हैं? आप अपने घर की बेटी बहुओं से इस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं कि उनमें कितनी रस और चाशनी बची है? तो देखिए, जब इस प्रकार की बातें, नहीं, जीतू पटवारी ने इस बात के लिए माफी भी मांग ली थी। खैर, माफी मांगने से उनकी जो बात है उसकी निंदा कम नहीं हो जाती है। लेकिन मिथुन जी, एक मिनट, लेकिन वंदना जी, मेरा सवाल ये था, आपने काउंटर किया, वो तो खैर आपका फर्ज है, उसी के लिए आप यहाँ पर आई है, लेकिन महिला आयोग क्यों होता है? इसलिए होता है ना कि जो महिलाएं उस आयोग में जाए और वहां अपनी बात को खुलकर किसी महिला के सामने रख सके। क्यों अब तक खाली पड़ा है महिला आयोग का अध्यक्ष का पद या मेंबर का पद? क्या वजह है ऐसी? किसका इंतजार हो रहा है उस कुर्सी में बैठने के लिए? देखिए अपर्णा जी, आपने देखा, जब से नए मुख्यमंत्री जी आए हैं उन्होंने हर विषय पर बड़ी ही संवेदनशीलता दिखाई है, चाहे वो हरदा बम फैक्ट्री वाला जो कांड हो उस पर भी आपने देखा। कभी आपने सुना है कि ट्रांसपोर्ट कमिश्नर चीफ सेक्रेटरी, एक मिनट आप मिथुन जी शांत बैठिए, प्रिंसिपल सेक्रेटरी जैसे बड़े बड़े अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से, तो वो सब इतने संवेदनशील है, तो महिला आयोग का भी गठन होगा, महिला आयोग में पदों के जो रिक्त पद है उसका भी गठन होगा। पहले चुनाव से अभी हम चुनाव की प्रक्रिया में हैं, 4 जून के बाद ये सारे निर्णय बोलेंगे। जब से माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना पदभार संभाला है, ताबड़तोड़ तरीके से उन्होंने कार्य किया है, उन्होंने निर्णय लिए हैं और उन्होंने हर निर्णय बड़ी संवेदनशीलता के साथ लिया है। तो जो ये कह रहे हैं कि महिला आयोग का गठन कब होगा, तो अवश्य होगा। ये तो ये भी कहते हैं कि लाडली बहना योजना बंद हो जाएगी, कब बंद हुई? माननीय प्रदेश जो मुख्यमंत्री जी है वो तो समय से पहले राशि महिलाओं के खाते में डाल रहे हैं। ठीक है, 10 सेकंड मिथुन जी, उसके बाद मैं आगे बढ़ रही, दो और मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए, वंदना जी ने मुझसे ये प्रश्न किया मेरे घर की महिलाओं को लेकर। वंदना जी, क्या आपके घर की महिलाओं की कीमत 50 करोड़ लगती है? मोहन यादव जी ने जो माँ बहन की गालियां दी, क्या आपके घर में ऐसी बातें होती हैं? आपके नेता कैलाश विजयवर्गीय ने बयान दिया कि महिलाओं को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए, क्या आपके घर में ऐसी बातें होती हैं? आपके नेता नीतीश कुमार जी ने विधानसभा के अंदर जो बयान दिया, क्या आपके घर की महिलाओं से ऐसी बातें होती हैं? किस तरीके की बात कर रही हैं आप? जवाब दीजिए, क्या आपके घर में महिलाओं से ऐसी बात होती है? आपके घर में महिलाओं से ऐसी बात होती है क्या? वंदना जी जवाब देंगी, लेकिन जो उनका कनेक्शन है ना, इंटरनेट कनेक्शन, वो थोड़ा सा यहाँ पर वीक दिख रहा है, क्योंकि जवाब दीजिए। एक मिनट, लॉटरी आपके पास। वंदना जी, टेक्निकल ग्लिच है, आपका आपका फोटो नहीं दिखाई दे रहा है, आपके सिर्फ ऑडियो आ रहा है। मैं लौटूंगी आपके पास इस ग्लिच को दुरुस्त करवाने के बाद। लेकिन यहाँ पर जगदीश जी, क्या लग रहा है आपको? चिट्ठी लिखकर ये दिखा दिया कि महिलाओं के सम्मान को लेकर कांग्रेस कितनी चिंतित है, और जो यहाँ महिला आयोग का अध्यक्ष का पद खाली पड़ा है उसको लेकर क्यों ये कोताही, लापरवाही या गैर जरूरी समझ लिया गया है इसे?
देखिए, महिलाओं की जितनी भी बातें हैं, जितनी भी योजनाओं का जिक्र होता है या महिलाओं को लेके अभी कांग्रेस और बीजेपी के दोनों माननीय प्रवक्तागण जो भी अपनी बातें कर रहे थे, ये पूरा मामला एक्चुअल में सियासी हो गया है। इन राजनीतिक दलों को महिलाओं की चिंता कम है, वोट बैंक की चिंता ज्यादा है, क्योंकि आधी आबादी कैसे कब्जे में ली जाए, आधी आबादी का वोट बैंक कैसे हासिल किया जाए, इसकी चिंता ज्यादा है। और आप देखा होगा, हालांकि इसमें एक पॉजिटिव पॉइंट भी है कि इसका फायदा नारी शक्ति को मिला है। बहुत सारी योजनाएं पिछले दो दशकों में या उसके और बात की बात करें, महिलाओं के हित में लागू हुई है, जिनसे महिलाओं को निश्चित रूप से शक्ति मिली है। और जहां तक आरोप प्रत्यारोप की बात है, तो आरोप प्रत्यारोप राजनीतिक दलों के काम है, ये राजनीतिक दलों के आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। और सबसे बड़ी चीज इसमें यह होता है कि जो भी टिप्पणियां होती हैं, जिनकी अभी चर्चा दोनों एक, भाई इनका हल क्या हो, इस पर बात नहीं हो रही है। क्या महिलाओं के सम्मान करने का तरीका क्या होना चाहिए, क्यों मातृशक्ति के प्रति हमारे मन में जो भावना है, सीधे सीधे नेताओं के बयान ये बताते हैं। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आपके अंतर मन में महिलाओं के प्रति सम्मान कम, उनके वोट कैसे हम हासिल करें, इसकी चिंता ज्यादा है। और यही वजह है कि गाहे बगाहे जब इस तरह के कार्यक्रम होते हैं तो आपके विचार जो है वो जनता के सामने आ जाते हैं, फिर उन पर राजनीतिक दलों के जो प्रवक्ता होते हैं अपने नेताओं की टिप्पणियों पर सफाइयां देते रहते हैं। तीसरी चीज आपने कहा जो महिला आयोग की मामला है, महिला आयोग का जो देखिए, जितने भी आयोग हैं, चाहे वो बाल आयोग हो, महिला आयोग हो और बहुत सारे आयोग हो, ये एक्चुअल में मर्सी पोस्टिंग के अड्डे हैं बेसिकली। ये इनमें ताजपोशी जो होती है वो राजनीतिक व्यक्तियों की होती है, तो राजनीतिक ताजपोशी चूंकि अभी टाइम इनको मिला नहीं, विधानसभा के ठीक बाद लोकसभा चुनाव आ गए, उसके बाद निश्चित रूप से राजनीतिक जब पोस्टिंग होगी आप देखना, उसके बाद भी अपर्णा जी मैं आपको बता रहा हूं, आरोप और प्रत्यारोपों का सिलसिला जारी रहेगा। क्योंकि महिला आयोग में अध्यक्ष कौन बनेगा, सदस्य कौन बनेंगे, वो जो बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता होंगे। बाल आयोग में कौन होगा, जो बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता होंगे। तो एक तरह से मेरा सीधा सीधा कहना यह है, मैं आरोप तो नहीं लगाना चाहता, इन आयोगों में भी कई बार हम पार्टी की विचारधारा को ही आगे बढ़ते देखते हैं। एडजस्ट किसे कैसे किया जाएगा, इसको लेकर समय नहीं मिल पाया, क्योंकि विधानसभा उसके बाद लोकसभा चुनाव, और ये तो काफी सोच विचार के बाद ही, और कहां कौन कितना फायदा पहुंचा सकता है, जाहिर तौर पर उसी के हिसाब से कुर्सी का बंटवारा होगा यहां पर। लेकिन अदर व्यू जी, स्लोगन जब लिखे जाते हैं महिलाओं को लेकर, मातृशक्ति को लेकर, तो वहां बड़े बड़े भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल होता है, लेकिन नेताओं की जब जबान फिसलती है ना, वो दिखा देती है कि किरदारों का हल्कापन कितना है। अपर्णा जी, आपने दोनों पक्षों की बात को रखा है, आप बहुत अच्छी एंकर हैं, बहुत अच्छे ढंग से प्रेजेंटेशन हो रहा है, लेकिन चाहे कांग्रेस के लोग आरोप लगाएं या भाजपा के लोग कहें, लेकिन छींचा लेदर छवि खराब तो महिलाओं की हो रही है। और जो महिलाएं हैं, जो बड़ी नेता रही हैं, चाहे वो इंदौर की सुमित्रा महाजन हो, इनको भी महिलाओं का पक्ष रखना चाहिए। और रही बात के आयोग नहीं है, तो आयोग गठन किया जाना अत्यंत आवश्यक है। ये बात सही है कि मोहन यादव जी अच्छे मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनको टाइम नहीं मिला, जैसे ही वो निर्वाचित हुए विधानसभा के बाद फिर कुछ समय काम कर पाए, तब लोकसभा के चुनाव आ गए और वो कर नहीं पाए। लेकिन ये बात भी सही है कि इस समयावधि में महिला अपराध बढ़े हैं और नेताओं की जबान फिसली है या उनने जानबूझ के जो है फिसलाई, लेकिन इसमें छवि खराब तो महिलाओं की हुई है, जो बड़े दुख की बात है, चाहे हमारे घर की महिलाएं हो या मध्य प्रदेश की हो या देश की महिलाओं, महिलाओं का सम्मान जिस प्रदेश में नहीं होगा वहां पर लोग जो है वो सुखी नहीं रह पाएंगे। कहने के बाद तो वो कह लेते हैं, लेकिन जब वो घर जाते हैं तो उनको उस चीज का पश्चाताप भी होना चाहिए कि मुझसे गलती हो गई, जो है एक चीज। दूसरी चीज ये कि महिला सब जगह पूजनीय होती है, हम मध्य प्रदेश में चाहे लाड़ली लक्ष्मी योजना हो, चाहे लाड़ली बहना योजना हो, चाहे महिलाओं के लिए जो काम किए जा रहे हैं वो अच्छे काम किए गए, लेकिन उनका धरातल पर उनकी छवि को भी बनाना चाहिए। पैसा देने से अकेली महिला की छवि नहीं बन जाएगी, पैसा से उनका सुख सुविधाएं इकट्ठी हो सकती हैं, उनका जीवन यापन हो सकता है, लेकिन उनकी छवि बनाने के लिए एक तो ये प्रतिनिधि
पति प्रतिनिधि बन के जो है, चाहे वो सरपंच हो चाहे वो और दूसरे रूप में महिलाएं निर्वाचित होती हैं, उनके पति लोग या उनके विशेष लोग जो है वो उनके प्रतिनिधि बन के पहुंच जाते हैं। ये प्रतिनिधि प्रथा बंद होना चाहिए। बहुत अच्छी बात आपने ये कही कि महिलाओं को अगर मौका मिलता है तो उन्हें फ्रंट पर आकर बैटिंग करनी चाहिए, ना कि उनके बदले कभी सरपंच पति प्रधान पति इस तरह के जो हम देखते हैं कि प्रतिनिधि आगे आ जाते हैं। खैर वंदना जी, जबान फिसलती है जीतू पटवारी की भी, कैलाश विजयवर्गीय की भी, चाहे कांग्रेस बीजेपी किसी भी पार्टी के नेता की, लेकिन जो आंकड़े हैं एनसीआरबी के वो बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में महिलाओं को लेकर जो अपराध का आंकड़ा है वो पिछले कुछ सालों में लगातार बढ़ा है, और इसमें तो आप कांग्रेस पर आरोप नहीं लगा सकते क्योंकि लंबे समय से बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश के अंदर रही है। देखिए अपर्णा जी, सबसे ज्यादा अगर नारी का सम्मान बचाना है तो नारी का सशक्तिकरण बहुत ज्यादा जरूरी है, और सशक्तिकरण के लिए जरूरी है कि नारी का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाए, उसके सशक्तिकरण की योजनाएं लाई जाए। देखिए जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने नारी सशक्तिकरण की योजनाएं लाई हैं, चाहे वो मुद्रा योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, या नारी सबसे जरूरी नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जिससे कहीं ना कहीं महिलाओं का जो राजनीति में प्रतिनिधित्व बढ़ेगा वो एक बहुत बड़ा कारण होगा जिससे महिलाएं फ्रंट फुट पर आएंगी। और जो आप ये बात कह रही हैं कि जो ये प्रधानपति विधायक पति ये सब चीजें अवश्य बंद होना चाहिए। देखिए अभी भी आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो अपनी सूचियां जारी करी हैं लोकसभा में भी, उन्होंने हमने कोशिश करी है कि बहुत सारी महिलाओं को प्रतिनिधित्व प्रदान करें, और राज्यसभा में भी हमने एक महिला मेंबर को भेजा है, माननीय माया नरोलिया जी को भेजा है। तो हम तो हमेशा ये कोशिश करते हैं कि फ्रंट फुट पर महिलाएं आए, महिलाएं प्रतिनिधित्व करें, महिलाओं का मार्गदर्शन हो, और महिलाओं की एक लीडरशिप डेवलप करने का काम कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी करती है, जो कि कांग्रेस पार्टी फेलियर हो रही है उस रूप में। देखिए आप कांग्रेस पार्टी की सूची को देखिए, इन्होंने मात्र एक महिला शक्ति को टिकट दिया और वो भी एक नेता पत्नी है। तो क्यों ऐसा कांग्रेस पार्टी कर रही है ये समझ में नहीं आता। रही बात अपराधों की, तो देखिए अपराधों पर नियंत्रण पाने का ये एक नैतिक जिम्मेदारी सबकी बनती है, चाहे वो राजनीतिक दल हो और चाहे वो समाज हो, सबकी जिम्मेदारी बनती है कि महिलाओं को उचित सम्मान प्रदान किया जाए। हम उस भारत में रहते हैं जहां की ये परंपरा है कि यत्र नारी पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ना तो किसी राजनीतिक नेता ना किसी व्यक्ति को नारी के बारे में इस तरह के अभद्र टिप्पणियां देना यही, चाहिए। यही तो नारी कमी है ना वंदना जी, जहां भी हम आंकड़ों में हारने लगते हैं वहीं हम किसी मंत्र का किसी श्लोक का सहारा ले लेते हैं। ये तो हम सब जानते हैं कि जहां नारी होती है वहीं घर में बरकत भी होती है, वहीं हर तरह की जो प्रार्थना है पूरी होती है, हम सब मानते हैं। लेकिन होता क्यों नहीं है ऐसा? कन्या पूजन तो हम करते हैं लेकिन महिलाओं जो बराबर की महिलाएं होती है, चाहे वो ऑफिस में होती है चाहे वो किसी बस में ट्रैवल करने के दौरान मिलती है, उनका सम्मान नहीं कर पाते। मिथुन जी, लेकिन बड़ी बात यहां पर वंदना जी ने यह भी उठाई है कि प्रतिनिधित्व देने की बात जब आती है तो कांग्रेस पार्टी भी पीछे ही रह जाती है। देखिए कांग्रेस पार्टी ने तो इस देश को महिला प्रधानमंत्री दी, कांग्रेस पार्टी ने इस प्रदेश को महिला उप मुख्यमंत्री दी, कांग्रेस पार्टी ने इस देश को पहली महिला राष्ट्रपति दी। भारतीय जनता पार्टी बताए, क्या आरएसएस में महिलाओं का प्रवेश जो प्रतिबंध नहीं है उनकी शाखाओं में? क्या आरएसएस का कोई अध्यक्ष कभी महिला बना? क्या भाजपा की कोई अध्यक्ष कभी महिला बनी? प्रतिनिधित्व ये है इनका। दूसरी बात, वंदना जी ने अभी कहा, आपने कहा कि अपराध कैसे रोकेंगे, तो इन्होंने पुलिस की बात नहीं की, इन्होंने कहा महिलाओं को प्रतिनिधित्व देंगे इससे अपराध रुकेंगे। तो महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने की यदि आप बात कर रही हैं तो कितने पुलिस कप्तान आपने महिलाओं को बनाया? कितने जिला स्तर के अधिकारी आपके डीएम बने हैं महिलाओं में? इस बात का क्या चीफ सेक्रेटरी आपने किसी महिला को बना दिया? फिर इसका जवाब दे दीजिए। मैं तो आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं, महिलाओं की मूल समस्याओं को लेकर के अगर वो थाने कचहरी जाती है उनकी सुनवाई नहीं हो रही, वो अपने महिला आयोग में जाती है, तो महिला आयोग में कोई प्रतिनिधित्व आपकी किसी नेता को आपने क्यों नहीं दिया? मैं तो इस प्रतिनिधित्व का आपसे जवाब मांग रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए। और एक मूल रूप की बात आती है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का फर्क देखिए, कांग्रेस के किसी नेता की यदि स्लिप ऑफ टंग हुआ उन्होंने माफी मांगी, इसको शर्म कहते हैं जो आंखों में होनी चाहिए नेता की। कैलाश विजयवर्गीय ने कभी माफी मांगी है? इस बात का जवाब दे दें। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री ने कभी माफी मांगी है जो इस तरीके का बयान देते हैं कि महिला बेचेगी ज्यादा बिकेगा 50%? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में किस एक नेता ने अपने महिला विरोधी के बयान के लिए आज तक, और प्रतिनिधित्व के आधार पर
कब तक आप महिला आयोग में नियुक्ति करेंगे? ये 24,000 से ज्यादा मामले जो पेंडिंग है, इनको इनकी रिजोल्यूशन के लिए कब महिला आयोग में आप नियुक्ति करेंगे? महिला अपराध कब कम होंगे? महिला अपराध कम करने के लिए आपका एक्शन प्लान क्या है? जीतू पटवारी जी ने पूछा, अगले 30 दिन में आप ऐसा क्या करने जा रहे हैं जिससे महिला अपराध कम हो? और महिला आयोग में प्रतिनिधित्व कब मिलेगा ये बताइए। मिथुन जी, जब आप इंदिरा गांधी जी की बात करते हैं तो मैं भी मानती हूँ कि ये वो कांग्रेस नहीं है, इंदिरा जी की कांग्रेस नहीं है। इंदिरा जी की कांग्रेस कुछ और थी और ये एक परिवारवाद और तुष्टीकरण की कांग्रेस बन चुकी है। कांग्रेस से प्रेरणा लेकर महिला प्रधानमंत्री बना दीजिए, कथित उस कांग्रेस से प्रेरणा लेकर महिला प्रधानमंत्री बना दीजिए। एनडीए में प्रवेश शुरू किया, सेना में परमानेंट कमीशन दिलाया। आज आप देखिए कितने एसपी आपने महिला बनाए, कहां है प्रतिनिधित्व? महिला आयोग की अध्यक्ष कहां है? महिला आयोग की उपाध्यक्ष कहां है? महिला आयोग के सदस्य कहां है? महिला डीएम कहां है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहां है? मेरे पास सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि महिलाओं के सम्मान की जो बात होती है, उन्हें जो एम्पावर करने की बात होती है, वो सिर्फ डिबेट तक ही सीमित ना रहे। पॉलिटिकल पार्टीज उन्हें वाकई वो रिप्रेजेंटेशन करने का मौका दे। और मध्य प्रदेश की महाडिबेट में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। खबरें लगातार जा रही हैं, आप देखते हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। लोग राजनीति से दूर भागते हैं बॉलीवुड वाले, आप उसके और करीब आ गई हैं, तो ये जोखिम क्यों उठाया आपने? वाकई में जोखिम है ये। रिस्क तो आप लेती हैं हमेशा से ही, मतलब ऐसे ऐसे बड़े बड़े रिस्क ले लेती हैं कि कई बार आप पर भी भारी पड़ जाता होगा। सुप्रिया श्रीनेत, उनके इंस्टाग्राम हैंडल पे एक टिप्पणी हुई, वो जब आपके लिए इस तरह के शब्द लेके गए तो गुस्सा आया आपको? I was shocked। एक हेडलाइन आपने भी बना दी, आपने एक ऐसी बात बोली छोटा पप्पू बड़ा पप्पू, वो दिल्ली तक हेडलाइन बन गई। हाल ही में दिल्ली में स्वाति मालीवाल आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद हैं, उनके साथ एक सीएम हाउस के अंदर दुर्व्यवहार हुआ। विनाश काले विपरीत को देखा।